बड़ी खबर जापान से, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक भाषण दे रहे थे और भाषण के दरमियान ही वहां पर धमाका हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि वहां सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। जापान में भी इस तरह की घटनाएं यहां बढ़ रही हैं और ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि जापान के वाकायामा में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को तो नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उनको निकाल लिया गया है सुरक्षित, लेकिन और कितना बड़ा डैमेज हुआ इसकी जानकारी मिलना भी बाकी है। आपको याद होगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का कत्ल कर दिया गया था, उनको गोली मार दी गई थी, वो भी इसी तरह से लोगों को संबोधित कर रहे थे। गीता मोहन हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं। गीता, कितना नुकसान हुआ है, हमलावर कौन था, क्या क्या जानकारी आपके पास है हमसे जुड़ी? अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, अप्रिहेंड कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जापान के जो प्रधानमंत्री है किशिदा, वो सेफ है, उनको सेफली वहां से जहां पे वो स्पीच दे रहे थे वहां से निकाला गया है। लेकिन ये जैसा आपने सही कहा, शिंजो आबे के असैसिनेशन के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जापान में कि कैसे उनके पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो सुरक्षित नहीं है। और अभी एक वीडियो भी नजर आ रहा है जहां पे प्रधानमंत्री किशिदा को उनके उनके जो गार्ड्स हैं उनको सिक्योरली सेफ्टी में लेके जा रहे हैं। तो काफी ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब जापान G7 समिट मीटिंग की तैयारी में लगा हुआ है। हिरोशिमा में वर्ल्ड के सबसे टॉप लीडर्स आने वाले हैं जिसमें से इनवाइटेड गेस्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में इस तरह के प्रयास हमें पता है कि पाकिस्तान से करवाए जाते हैं, वहां पर वो आतंकियों को पालते पोसते हैं, लेकिन जापान में ये सब कैसे हो रहा है? क्या पॉलिटिकल राइवलरी है, ऐसा हो रहा है या वहां पर भी कुछ इस तरह के गैंग्स अब एक्टिव हो गए हैं जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि शिंजो आबे को जिसने मारा था वो किसी पॉलिटिकल कैंप में नहीं था, ना ही वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनिमी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर भी अगर आप देखें, अभी डिटेल्स नहीं पता आए हैं लेकिन ब्लास्ट हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है किसी ने गन लेके क्राउड में चला गया था। ब्लास्ट होना एक बहुत बड़ा प्री मेडिटेटेड क्राइम होता है और एक इंसान, एक व्यक्ति को ऑलरेडी अप्रिहेंड कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। तो डिटेल्स का इंतजार करना होगा देखने के लिए कि क्या ये किसी गुट का काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या फिर ये इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का काम है जो अपना मेंटल स्टेबिलिटी को जितना जो तस्वीरें वहां से आ रही है, तस्वीरें तो विचलित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गार्ड्स पूरी तरह से उनको कवर करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि उनको कोई डैमेज, कोई नुकसान ना हो। कोई बुलेट प्रूफ बैग्स या प्रोटेक्शन कुछ भी नजर नहीं आ रहे वहां पर, लेकिन उनको फिर भी सुरक्षित निकाल लिया गया। अफरा तफरी मच गई, सब दौड़ते हुए दिख रहे हैं। कितनी ज्यादा संख्या में लोग थे, क्या लोगों को नुकसान हुआ है, ब्लास्ट कितना बड़ा था, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, अभी बहुत इनिशियल रिपोर्ट है तो इसलिए हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन अभी तक जो अपडेट आया है जापानीज मीडिया के द्वारा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जहाँ पे किसी को भी कोई भी जान का नुकसान हुआ हो। तो कोई मारा नहीं गया है अब तक। प्राइम मिनिस्टर किशिदा सर्टनली टारगेट थे तो वो सेफली वहां से निकाले गए और ये पूरा जो ये वाकायामा जगह पे स्पीच हो रहा था और वहां के जो जितने भी लोग हैं उनको भी इवैक्यूएट कर दिया गया है। एक इंसान को डिटेन किया है, ये कोर्ट है वाकायामा में जहाँ पर वेस्टर्न जापान में जहाँ पर प्रधानमंत्री किशिदा अपना स्पीच दे रहे थे, तो लोगों को निकाल दिया गया है। बहुत बड़ा धमाके की आवाज़ सुनाई दी और स्मोक निकलने लगा, तो जो ब्लास्ट हुआ वो बिल्कुल प्रधानमंत्री किशिदा जहाँ पर थे वहाँ पर नहीं हुआ, उसे थोड़ी दूरी पर हुआ था। इसीलिए किशिदा सेफ है और वहाँ से निकाले भी गए हैं और लोगों को भी निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोकल मीडिया रिपोर्ट का इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि क्या किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा है या नहीं। क्या गीता, वो हमलावर जिसको गिरफ्तार किया गया, क्या वो वहां पर वहीं पर था, बम पहले से प्लांट किया गया था या हैंड ग्रेनेड जैसा उसने कुछ फेंका था, इस बारे में कुछ और क्लैरिटी मिल रही है? जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक जिस इंसान को डिटेन किया गया वो उस कोर्ट में ही वहीं पर था जहाँ पर ये धमाका हुआ, और क्योंकि शायद सस्पेक्ट की तरह नजर आ रहा होगा, उसके मूवमेंट्स थोड़े सस्पिशियस रहे होंगे, इसलिए डिटेन किया गया है। ऐसी कोई खबर नहीं है जहाँ पे ये कंफर्म है कि
जिस इंसान को डिटेन किया गया है वो ही ब्लास्ट के पीछे है। तो देखना होगा कि क्या ये जिसको डिटेन किया है उसने ही ब्लास्ट किया या करवाया, और अगर नहीं तो जांच जारी रहेगी, और अगर हाँ तो फिर देखना होगा कि क्या ये किसी गुट के साथ जुड़ा हुआ है, इसके मोटिव्स क्या थे। जापान में ऐसे इंसिडेंट होना कभी सुना भी नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो चुका है और अब दूसरे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर एक अटैक।